टीचर भर्ती घोटाले के दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की रात जैसे तैसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में कटी। दोनों को कल शाम करीब 6:30 बजे जेल लाया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला, उनके बेटे और शिक्षक घोटाले में शामिल दो आरोपी आईएएस अधिकारियों के साथ जेल नंबर 4 की बैरक नंबर 15 की उसी कोठरी में रखा गया है जहां कभी कलमाड़ी रहा करते थे। चौटाला और उनके बेटे की सुरक्षा व्यवस्था इस कदर मजबूत है कि आम कैदी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। जेल प्रशासन को डर है कि कहीं किसी कैदी ने चौटाला या उनके बेटे के साथ कोई बदतमीजी कर दी तो इसका सीधा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेल पहुंचने पर पहले तो थोड़ा हिचके थे, लेकिन जेल अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने सारे कायदे निभाए। रात में उनके लिए घर से बना खाना आया था। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्होंने इंग्लिश टॉयलेट की भी मांग कर दी। जेल आखिर जेल ही होती है। भले ही चौटाला और उनके बेटे ने घर का खाना खाया हो और सील बंद बोतल का पानी पिया हो, लेकिन जेल की बैरक में उन्हें देर रात तक नींद नहीं आ रही थी। बाप और बेटे कभी बैरक में टहल रहे थे तो कभी आपस में बातें कर रहे थे, और बातों का मकसद केवल एक ही होता था कि आगे की रणनीति किस तरह बनाई जाए। ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला और दो आईएएस अधिकारियों के अलावा बाकी दोषियों को जेल नंबर 6 में रखा गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में बनी सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश पर ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला समेत 55 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में ओम प्रकाश चौटाला को टीचर भर्ती घोटाले में दोषी करार दिया है, लेकिन उनके बेटे अभय चौटाला ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। चौटाला साहब के खिलाफ मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि हमने इसमें कहीं कोई किसी किस्म की ऐसी कोई गफलत नहीं करी थी जिसकी वजह से हमें कहीं कोई दोषी पाया जाए। आपको बता दें कि 1999-2000 में 3,206 जूनियर बेसिक टीचरों की भर्ती हुई थी। उस वक्त हरियाणा में INLD की सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला राज्य के मुख्यमंत्री। आरोप है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती की गई। इस केस में 55 लोगों को CBI कोर्ट ने दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 22 जनवरी को होगा, लेकिन अब तलवार उन शिक्षकों की नौकरी पर भी लटकने लगी है जिनकी उस समय भर्ती की गई थी। आज कानून अपना काम करेगा जिसने जैसा किया।